ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट टू ऑफ आवर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट इज 1 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट हैविंग अ मोलर मास 250 ग्राम्स पर मोल वॉज डिजॉल्व इन 51.2 ग्राम ऑफ बेंजीन इफ द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट के एफ ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल. The freezing point of benzene will be lowered by. See, this is direct question, basic application है. So relation use करेंगे. So expression क्या होता है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन. सो दिस इज द एक्सप्रेशन. सो डेल्टा टी एफ हमें निकालना है. सो क्या होगा, के एफ की वैल्यू क्या है, 5.12 दी हुई है, इंटू डब्ल्यू टू की वैल्यू कितनी दी हुई है. सी यहाँ पे 1 ग्राम दिया हुआ है, दैट इज डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड करेंगे डिवाइडेड बाय एम टू. एम टू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 250 इंटू डब्ल्यू वन. डब्ल्यू वन कितना दिया हुआ है हमें, 51.2. सो सारे यूनिट्स सेम है ग्राम्स में सभी, तो कन्वर्जन की भी कोई ज़रूरत नहीं. बस सॉल्व करेंगे. सो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा अराउंड 0.4 केल्विन एंड विच इज़ ऑप्शन सी. बी वाला ऑप्शन आ रहा है हमारा. सो इट वॉज़ वेरी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं था. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ यूरिया मॉलिक्यूलर मास 60 इज आइसोटोनिक विद अ 5% सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. सो बड़ा ही वेग सा क्वेश्चन है, इसमें लिखा नहीं है कि हमें क्या निकालना है, बट हम आंसर देख के पता लगा सकते हैं कि मोलर मास निकालना है. मोलर मास किसका निकालना है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का निकालना है. सी यहाँ यूनिट्स दिए हुए ग्राम पर मोल में सारे ऑप्शंस में. सो मोलर मास कैलकुलेट करना है बट ऑब्वियस. सो लेट्स कैलकुलेट. सी आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, आइसोटोनिक मतलब जो दोनों सोल्यूशन है, एक जो यूरिया का सोल्यूशन है और एक जो अननोन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का है, इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जो है वो सेम है. ओके, आइसोटोनिक का मतलब ये होता है बोथ आर हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू. सो बस इस इन्फॉर्मेशन को इक्वेट करेंगे. सी ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी इंटू आर टी. सो दोनों की पाई की वैल्यू सेम है. सो अलग अलग मोल्स दिए हुए हैं. सो जस्ट यूटिलाइज. सी क्या करेंगे, पहले यूरिया के लिए लिखेंगे एन अपॉन वी क्या हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा यूरिया के लिए, 10 ग्राम दिया हुआ डिवाइडेड बाय 60. सो एन की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट वी, वी इज़ डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, मतलब 1000. सो 1000 लिख देंगे. और आर टी को हम आर टी के फॉर्म में ही लिखेंगे क्योंकि टेम्परेचर को स्पेसिफाई नहीं किया है. इक्वल टू दूसरे सोल्यूट का ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके लिए भी एन अपॉन वी इंटू आर टी करेंगे. आर टी दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे. सो एन कितना हो जाएगा, सिर्फ 5% सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, 5 ग्राम प्रेजेंट है. ओके, सो 5 ग्राम मतलब 5 आ गया सोल्यूट का वेट, और उसका मोलर मास हमें निकालना है, इंटू 100. 100 मतलब 5% सोल्यूशन 100 होता है. ओके, सो जस्ट पुट करो, एम की वैल्यू निकालो. सो एम की वैल्यू इफ़ यू कैलकुलेट फ्रॉम दिस इक्वेशन, सो आएगी अराउंड 300 ग्राम्स पर मोल. और कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, 300 ग्राम्स पर मोल, सी ऑप्शन. सो सी इज़ द करेक्ट आंसर. होपफुली यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन इज. सी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालना है किसी सोल्यूट के लिए जो 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन है. सी 1 मोलल का मतलब क्या होता है, 1 मोलल मतलब 1 मोल प्रेजेंट है किसमें, एक केजी में. ठीक है, 1 केजी सॉल्वेंट, और 1 केजी को हम क्या बोलते हैं, 1000 ग्राम्स. ठीक है, 1000 ग्राम वाटर हम मान लेते हैं, एक्वस है तो वाटर. ओके, सो हमने पढ़ा है कि वाटर के 1000 ग्राम्स में कितने मोल्स होते हैं, कई बार हमने रिपीट किया है, इट इज़ अराउंड 55.5 मोल्स. और सोल्यूट के कितने मोल दिए हुए, 1 मोल दिए हुए, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दो. मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, या टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी बोला जाता है. सो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने दिए हुए, 1 मोल दिया हुआ है अपॉन 1 प्लस 55.5. ओके, सो आगे सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 56.5 हो जाएगा, और उसे और सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा. सो आंसर आएगा अराउंड 0.018 के आसपास. सो दिस इज़ योर आंसर. एक्चुअली
एक्चुअल में 0.01768 आएगा, उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.018 आएगा. ओके, सो होपफुली दिस वाज इजी. सो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर होते हैं. कई बार हमें लगता है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, बट इफ़ यू प्रैक्टिस तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ क्या करना क्या है बेसिकली. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स पी एंड क्यू आर 80 एंड 60 टॉर रेस्पेक्टिवली. सी पी का 80 टॉर्स है और क्यू का 60 टॉर्स है. द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन ऑप्टेन्ड बाई मिक्सिंग 3 मोल ऑफ पी एंड 2 मोल ऑफ क्यू वुड बी. सो दिस इज़ राउल्स लॉ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. राउल्स लॉ का फॉर्मूला क्या था? पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी. सो पी नॉट ए की वैल्यू अगर हम पी के लिए लिए तो कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 80 दिया हुआ है. और पी नॉट बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 60. ओके, सो मोल्स भी दिए हुए तो मोल फ्रैक्शन भी निकल जाएंगे. पी के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे? पी के नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए? 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2. सो पी का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5. और क्यू का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 2/5. 2 मोल्स हैं डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3. सो 2/5 उसके मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे. सो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सो हमें आंसर मिल जाएगा. डायरेक्ट एप्लीकेशन है, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाना नहीं है हमें. सो आंसर आ रहा है हमारा अराउंड 72 टॉर्स के आसपास. सो दिस इज़ द आंसर A1. ओके, सो डायरेक्ट एप्लीकेशन था. सी नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर वेरी डायरेक्ट और बेसिकली NCERT के लेवल के होते हैं. सो अगर हम NCERT कंप्लीट कर लेते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी टू क्लियर द एग्ज़ाम. सो होपफुली यू विल बी प्रैक्टिसिंग. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सॉल्यूशन हैज़ 1:4 मोल रेशियो ऑफ पेंटेन एंड हेक्सेन. ओके, सो पेंटेन के 1 मोल्स ले रहे हैं हम और हेक्सेन के 4 मोल्स ले रहे हैं. द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर हाइड्रोकार्बन्स एट 20 डिग्री सेल्सियस आर 440 mmHg फॉर पेंटेन एंड 120 mmHg फॉर हेक्सेन. द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज वुड बी. सी वेपर फेज के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या लगाते हैं, बट उसके लिए पी टोटल की वैल्यू सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो पी टोटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? अभी लास्ट क्वेश्चन हमने पिछला क्वेश्चन जो किया था उसमें देखा था पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी. सो पी नॉट ए अगर हम पेंटेन के लिए ले रहे हैं तो पी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 440. और पी नॉट बी हेक्सेन के लिए ले रहे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 120. ओके, सो मोल का रेशियो कितना? अगर हम पेंटेन के 1 मोल ले रहे हैं तो हेक्सेन के कितने मोल ले रहे हैं? 4 मोल ले रहे हैं. तो पेंटेन का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4. ओके, टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना 1 मोल पेंटेन के और 4 मोल हेक्सेन के. सो 1/5 आ जाएगा फॉर पेंटेन. और सिमिलरली हेक्सेन के लिए मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 मोल्स है हेक्सेन के डिवाइडेड बाय 1+4 5. सो 4/5 आ जाएगा हमारा हेक्सेन के लिए. सो यहाँ से पी टोटल की वैल्यू निकल जाएगी. ओके, सो वेपर फेज में निकालने के लिए हमें हमारे पास क्या एक्सप्रेशन था? सपोज़ किसी कंपोनेंट का अगर हमें वेपर फेज में निकालना है तो y इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर. सी दिस वॉज द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन. सो इसको अगर हम अप्लाई करेंगे सो हमें वेपर फेज में कितने मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है पेंटेन के ये पता चल जाएगा. ओके, सो अगर सॉल्व करोगे इसको तो तुम्हें आंसर मिलेगा अराउंड 0.478. सो दैट इज़ आवर डी ऑप्शन. सो आई गेस दिस वाज द इजीएस्ट. अगर आपने थ्योरी लेक्चर देखे होंगे तो उसमें हमने जो एक्सप्रेशंस है फॉर्मूलेस है उनको ईजी करके बनाया था. सो होपफुली दिस इज़ डन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the question number 32 is, a solution of urea molecular mass 56 boils at 100.18 degree Celsius at the atmospheric pressure. If Kf and Kb for water are 1.86 and 0.512 Kelvin kilogram per mole respectively, the above solution will freeze
एट। इसी क्वेश्चन को समझते हैं। सी यहाँ पे हमें यूरिया के बारे में या हमारे सॉल्यूशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, बट जो क्वेश्चन है ये हमें ये बता रहा है कि एक यूरिया का आपने सॉल्यूशन बनाया, उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो हुआ है दैट इज़ 100.18 डिग्री सेल्सियस, और सेम सॉल्यूशन को जब हम फ्रीज़ करेंगे तो कितने टेम्परेचर पे फ्रीज़ होगा। मतलब सॉल्यूशन कॉमन है, उसकी मोलालिटी कॉमन होगी, करेक्ट। सो जो हमारा एक्सप्रेशन है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, सो एम जो हमारा फैक्टर है, वेरिएबल जो था वो सेम आ रहा है। ओके सो क्या हम एम की जगह हम कुछ और पुट कर सकते हैं क्या? यस। ओके सो एक्सप्रेशन क्या है, सपोज़ हम इक्वेशन बनाते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, सो एम को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ हो जाएगा एम। सो इस एम को हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं क्या, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, सो एम की जगह हम क्या पुट करेंगे, डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ। ओके सो एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं, रीअरेंज करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन आएगा टेम्परेचर वाले साइड को सेम साइड पे ले जाओ तो डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू के एफ अपॉन के बी। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन। अब इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है उसकी वैल्यूज पुट कर दो। सी डेल्टा टी बी की वैल्यू एक्चुअली 0.18 आएगी ना, क्योंकि यहाँ पे 100 डिग्रीज है, वाटर जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ 100 डिग्रीज, और यहाँ पे दिया हुआ है 100.18, सो माइनस करोगे 100.18 माइनस 100, सो योर डेल्टा टी बी विल बी 0.18। ओके सो डेल्टा टी एफ निकालना है हमें, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकाल लो, के एफ अपॉन के बी इंटू डेल्टा टी बी। सो के एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, के एफ की वैल्यू दी हुई है 1.86, इंटू के बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.512, और डेल्टा टी बी अभी हमने निकाला दैट इज़ 0.18। सो सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका अराउंड 0.6539 के आसपास, और सिंस इट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट सो हम माइनस वाला एक्सप्रेशन लेंगे, दैट इज़ -0.654 राउंड ऑफ करने के बाद दैट इज़ योर बी ऑप्शन। ओके सो होपफुली समझ में आ गया होगा क्या इसमें लॉजिक लगाना है। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट्स ए एंड बी फॉलोज रॉल्स लॉ। सी रॉल्स लॉ को हमने अच्छे से पढ़ा था। रॉल्स लॉ में क्या होता है कि जो दो कंपोनेंट्स है, सपोज़ आपके पास एक कंपोनेंट है ए और एक कंपोनेंट है बी, सो उनमें अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें अगर इंटरेक्शन है, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, सो ए और ए के बीच में इंटरेक्शन होगा और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा। अब जब दोनों ए और बी को हम मिक्स करते हैं तो क्या होगा, ए और बी में जितना इंटरेक्शन था उतना ही इंटरेक्शन ए और बी के मॉलिक्यूल्स में भी होगा। ओके सो आंसर क्या हो जाएगा, क्या दिख रहा है यहाँ पे हमें आइडियल सॉल्यूशंस के लिए, आंसर हमारा हो जाएगा सी, जिसमें कि लिखा हुआ है ए बी अट्रैक्शन फोर्स रिमेन सेम एज ए एंड बी बी। सी दिस इज बेसिक थियोरेटिकल क्वेश्चन, फैक्चुअल है ये हमने पढ़ा है। ओके सो बाकी ऑप्शंस भी आप देख सकते हो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, दैट इज़ यूजलेस। ओके नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन के लिए एप्लीकेबल है, ए और बी और डी का कोई इसमें मतलब नहीं है। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ सॉल्यूशन कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास एम टू, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके सो ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन हमारा क्या होता था, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, एन को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, ओके इंटू वी इंटू आर टी, सो हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है, इसे मोलर मास के टर्म्स में कैलकुलेट करना है हमें। सो मोलर मास के टर्म्स में क्या करोगे, एम को इस तरफ ले जाओ तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा डब्लू टू अपॉन पाई इंटू वी इंटू आर टी। सो कौन सा वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है हमें, सिर्फ पाई डिनोमिनेटर में आना चाहिए, तो सी और डी ऑप्शन तो हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, दिस इज़ योर बेसिक, और वॉल्यूम भी डिनोमिनेटर में आना चाहिए, तो ए वाला जो ऑप्शन है वो भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। सो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, बी। सॉल्व नहीं करोगे तो भी आपको आंसर आप गेस कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर एक्सप्रेशन पता है कि वॉल्यूम का जो टर्म है दैट शुड बी इन डिनोमिनेटर, पाई का जो टर्म है दैट ऑल्सो शुड बी इन डिनोमिनेटर, तो अगर आप सिर्फ उतना देख लोगे तो भी आप
ऑप्शंस को सॉर्ट आउट कर सकते हो, जो कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश ना भी करे तो भी हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.5 लीटर ऑफ 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अनदर 3 लीटर ऑफ 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन, देन फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने 2.5 लीटर 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन लिया एक बीकर में, दूसरे बीकर में 3 लीटर ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन लिया। अब दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा हमारा, उसकी मोलारिटी पूछ रहा है कितनी होगी। सो थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे करोगे। सी जो टोटल वॉल्यूम है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 2.5 लीटर हो जाएगी, 2.5 लीटर प्लस 3 लीटर सो कितना हो जाएगा, इट इज़ अराउंड 5.5 लीटर। ओके, सो मोलारिटी के फॉर्मूले में एक दो चीज़ें लगती है, एक तो हमको नंबर ऑफ़ मोल्स लगते हैं, दूसरा हमें लगता है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम हमने निकाल ली। ओके, सो नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेंगे। सो नंबर ऑफ़ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मोलारिटी दी हुई है, पहले सॉल्यूशन का जो मोल्स है वो पहले निकालोगे, दूसरे सॉल्यूशन के मोल्स वो निकालोगे। दोनों सॉल्यूशन के मोल्स निकल गए तो आपका काम बन गया। ओके, सो सॉल्व करते हैं। सो 1 मोलर है मतलब मोलारिटी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स हमें निकालना है, वॉल्यूम कितनी दी हुई है 2.5। सो सबसे पहले वाले सॉल्यूशन के नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे आ गए 2.5। सेम चीज़ दूसरे के लिए भी करेंगे, मोलारिटी कितनी दी हुई है 0.5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स हमें निकालना है अपॉन वॉल्यूम कितनी दी हुई है 3। से 1000 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि हम यहाँ पे वॉल्यूम लीटर्स में ले रहे हैं। ओके, बट अगर ml में लेते तो हमें 1000 भी मल्टीप्लाई करना रहता। सो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालो। सो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालोगे 3 × 0.5, इट इज़ अराउंड 1.5। सो टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हो गए, 2.5 प्लस 1.5, सो हो गए अराउंड 4 मोल्स। सो बस मोलारिटी के फॉर्मूले में पुट कर दो। सो मोलारिटी के फॉर्मूले में 4 मोल्स हो गए, वॉल्यूम कितनी हो गई तुम्हारी 5.5। सो 4 / 5.5 कर दो, बस आंसर आ गया। आंसर कितना आ रहा है, 0.727 के आसपास आएगा, दैट इज़ योर सी ऑप्शन। सो 0.73 है अगर हम राउंड ऑफ करें तो। ओके, सो होपफुली दिस वाज इजी और समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स यू प्रैक्टिस, यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन ऑब्जेक्टिव पैटर्न। ओके, सो चलो अगला क्वेश्चन। द बीन्स आर कुक्ड अर्लियर इन प्रेशर कुकर बिकॉज, सी ये एक कॉमन फिनोमेना है, एवरीडे लाइफ में आपने देखा भी होगा कि आप प्रेशर कुकर यूज़ करते हो तो कोई भी चीज़ें जल्दी पक जाती है, और अगर आप ओपन वेसल में कोई चीज़ कुक करने की कोशिश करते हो तो देर से पकती है। इसमें हम ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले जो सी ऑप्शन है, एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ प्रेशर कुकर सॉफ्टन्स द बीन, सो दिस इज़ यूजलेस, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। ओके, सो सी वाले को एलिमिनेट कर दो। डी वाला, इंटरनल एनर्जी इज़ नॉट लॉस्ट वाइल कुकिंग इन प्रेशर कुकर, सिर्फ प्रेशर कुकर आपका कोई आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता तो उसमें एनर्जी की लॉस नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो ये ऑप्शन भी जो है हम एलिमिनेट कर देते हैं। ओके, अब ए और बी को देखते हैं। सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर, और बी वाला ऑप्शन बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर। से हमने देखा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ओके, सो जितना ज़्यादा प्रेशर जल्दी लगाया जाएगा उतना जल्दी हमारा जो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन होता है वो उतना जल्दी बॉयल होता है। ओके, और जितना कम प्रेशर रहता है उतना देर से बॉयल होता है, करेक्ट। सो क्या होगा, प्रेशर कुकर सबने देखा है कि उसके ऊपर एक लेड रहती है और उसके ऊपर एक वॉल्व रहता है। सो वॉल्व क्या करता है, जो स्टीम बनती है उसको एस्केप होने से रोकता है। सो स्टीम जो बन रही है वो अंदर ही अंदर बनते जाएगी और उसके नंबर ऑफ़ वेपर्स इंक्रीज़ होंगे। सो वेपर्स इंक्रीज़ होंगे मतलब क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा, और प्रेशर जितने जल्दी बॉइलिंग प्रेशर पे या फिर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के आसपास पहुंचेगा तो बॉइलिंग विल स्टार्ट सूनर। ओके, सो प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू जो होगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो हमारा ऑप्शन जो आ रहा है दैट इज़ ए ऑप्शन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय, सी ये हमने जो ऑस्मोसिस वाला लेक्चर जो पढ़ा था उसमें दिया हुआ था, जब हमने रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा था। सो इसका आंसर सी होगा, इसमें ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको अदर टेक्निक्स जो यहाँ पे दी हुई है, सेंट्रीफ्यूगेशन, प्लाज्मोलाइसिस, सेडिमेंटेशन, इन टर्म्स के मतलब भी पता होना चाहिए क्योंकि दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स
जैसे प्लाज्मोलाइसिस, बायो में प्लाज्मोलाइसिस किस लिए यूज़ होता है ये आपको पता होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगेशन किस लिए यूज़ होता है वो पता होना चाहिए। सेडिमेंटेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। सारे टर्म्स के मतलब पता होंगे तब आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो प्योर वाटर को हम सी वाटर से ऑब्टेन करते हैं बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब RO जो हमारे घर पे भी लगा होता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच वन इज़ द बेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स। सी ये वाला भी हमने लेक्चर में पढ़ा था, सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, जो भी चीज़ें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नीट में रेगुलरली सारी चीज़ें हमने थ्योरेटिकल क्लासेस में कंप्लीट की है। अगर आप लेक्चर्स जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ सारी चीज़ें एक एक पॉइंट मैंने बताया, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। सो आंसर आप बता दो। आंसर होगा ए, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू से हम आसानी से पता लगा सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mm ऑफ Hg, अ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 2.175 ग्राम इज एडेड टू 39.08 ग्राम ही होगा ऑफ बेंजीन। द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज 600 mm Hg। वॉट इज़ द मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत सारे कर चुके हो आप, इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, सो क्या है ये, राउट्स लॉ का एक्सप्रेशन है। राउट्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एड टू अपॉन एन वन। ओके, सो सॉल्व कर लो, जस्ट अप्लाई करो इस इक्वेशन को। यहाँ पे शॉर्ट में मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। सी पी नॉट की वैल्यू दी हुई है 640 माइनस सोल्यूशन की जो वेपर प्रेशर की वैल्यू है दैट इज 600। सो 640 माइनस 600 अपॉन 640 इज इक्वल टू, सो मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ हमारा सोल्यूट, सोल्यूट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2.175 अपॉन उसका मोलर मास। मोलर मास हमें निकालना है, सो मोलर मास निकालेंगे डिवाइडेड बाय बेंजीन के मोल्स। बेंजीन के मोल्स कितने हो जाएंगे, 39.08 इसका गिवन मास है और इसका मोलर मास कितना होता है 78। सो इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, सो m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो m के लिए अगर सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, सो हमारा आंसर आ रहा है अराउंड 69.5। सो 69.5 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, जल्दी से देखो, ए ऑप्शन दिख रहा है। सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। सो होपफुली प्रैक्टिस हो रही है अच्छे से, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ डाई बेसिक एसिड, मोलिकुलर वेट है 200, शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द एक्वस सोल्यूशन टू गिव स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 नॉर्मल। ओके, सो इसमें डाई बेसिक एसिड दिया हुआ है, नॉर्मैलिटी का रिलेशन है। सो नॉर्मैलिटी का रिलेशन क्या होता है, नॉर्मैलिटी के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था, वेट इज इक्वल टू NEV अपॉन 1000। ओके, सो यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, सी वेट कैलकुलेट करना है। तो वेट नॉर्मैलिटी दी हुई है 0.1, इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना पड़ेगा। सो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर कहाँ से आएगा, सी डाई बेसिक एसिड का मतलब ये हो रहा है कि दो एच प्लस आयन्स वो रिलीज़ करेगा। डाई बेसिक एसिड का मतलब ये होता है, ट्राई बेसिक एसिड बोलेगा तो 3H+ ion रिलीज़ करेगा, मोनोबेसिक एसिड बोलेगा तो 1H+ ion रिलीज़ करेगा। ओके, समझ में आ गया। सो वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, डाई बेसिक मतलब वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है, 200 डिवाइडेड बाय 2। सो सॉल्व करोगे तो मोलिकुलर वेट कितना, इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा आपका 100। सो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। वॉल्यूम कितनी दी हुई है, 100। सो सारी चीज़ें तो 100 ही दिख रही है मुझे। ओके, सो सॉल्व कर लो, 0.1 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे, सो इतना इजी कैलकुलेशन तो और कहीं नहीं मिलेगा आपको। सो कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है करीब करीब। सो 1 ग्राम आंसर होगा, 1 ग्राम। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, सी सी ऑप्शन। ओके, सो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। इफ़ 0.15 ग्राम ऑफ अ सोल्यूट डिजॉल्वड इन 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज बॉइल्ड एट टेम्परेचर हायर बाय 0.216 डिग्री सेल्सियस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, द मोलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस क्या होगा, मोलिकुलर वेट
मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट फॉर द सॉल्वेंट इज़ 2.16 डिग्री सेल्सियस। डायरेक्ट एप्लीकेशन है सी, यहाँ पे जो टेम्परेचर हायर बाय 0.20216 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है डेल्टा टी बी की वैल्यू। ओके, सो सारी वैल्यूज तो दी हुई है, एक्सप्रेशन में पुट करो, क्या होता है एक्सप्रेशन, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन। सो हमें निकालना है एम टू, सो एम टू को इस तरफ ले जाएंगे, डेल्टा टी बी को इस तरफ ले जाएंगे। सो के बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.16 और डब्ल्यू टू की वैल्यू 0.15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ है सॉल्वेंट 15 ग्राम। सो 15 ग्राम आ गया डब्ल्यू वन का वेट और डेल्टा टी बी कितना दिया हुआ है 0.216। बस सॉल्व कर लो। सो मोलर मास की वैल्यू करीब करीब आएगी हमारी 100 और 100 हमारा आंसर कौन सा वाला दिख रहा है यहाँ पे, बी वाला आंसर दिख रहा है, सिंपल। सो अगला क्वेश्चन करते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट डिक्रीज्ड बाय 10 mm ऑफ मर्क्यूरी व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज एडेड टू द सॉल्वेंट। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 0.2। व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इफ द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज टू बी 20 mm ऑफ मर्क्यूरी। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ राउंड्स लॉ। राउंड्स लॉ का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एन क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सो ये एन अपॉन एन प्लस एन क्या है, बेसिकली मोल फ्रैक्शन ही तो है। सो हम क्या लिख सकते हैं इसको, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो हमें गिवन है, दैट इज़ 0.2, और हमें पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज़ 10 mm। सो क्या हम इससे पी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस वी कैन फाइंड आउट। सो पी नॉट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो पी नॉट की वैल्यू आ रही है इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के बाद 50 mm। ओके, सो नई कंडीशन में हमें मोल फ्रैक्शन ढूंढना है। सो नई कंडीशन में क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब हमारे पास पी नॉट की वैल्यू है, पी नॉट की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 50 mm। नेक्स्ट पी नॉट माइनस पी एस की नई वैल्यू कितनी होना चाहिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 20 mm होना चाहिए। सो हम पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू लिख देंगे 20, पी नॉट की वैल्यू अभी हमने निकाली थी दैट इज़ 50। सो नया मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कितना आ जाता है, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको करीब करीब आता है 0.4। सो अगर हमें एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मिल गया है, मतलब सॉल्यूट का हमें मिल चुका है, दैट इज़ 0.4, और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो कितना होगा सॉल्वेंट का निकालने के लिए, एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, इसी तरह से तो निकालते हैं हम। ओके, 1 से माइनस कर दो तो आपको दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, तो 1 माइनस 0.4 कितना होता है, 0.6, और 0.6 हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन दिख रहा है। सो योर आंसर इज़ बी। ओके, सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ओके, सो अगला क्वेश्चन करते हैं। ए 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर मॉलिक्यूलर वेट 342, केन शुगर बेसिकली सुक्रोज होता है, इज़ आइसोटोनिक विथ 1% सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स इज। सी, इस टाइप का क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, दो सॉल्यूशंस है, उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो सेम होगा। ओके, सो 5% केन शुगर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है इक्वल टू 1% सॉल्यूशन जो कि अननोन है, हम x मान के चल रहे हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो निकाल तो लेंगे हम, ठीक है। क्या होता है रिलेशन, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, ये रिलेशन होता है। तो केन शुगर के लिए पाई की वैल्यू पुट करेंगे कितनी होगी, और जो x हमारा जो सॉल्वेंट सॉल्यूट है उसके लिए हम वैल्यू को पुट करेंगे और दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। सी, दिस इज़ हाउ इट विल बी डन। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल पाई की वैल्यू लिखते हैं केन शुगर के लिए। सी, एन अपॉन वी, एन क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो गिवन मास कितना है केन शुगर का, 5% का मतलब क्या होता है, 5 ग्राम डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सो 5 ग्राम हमारा हो गया गिवन मास ऑफ केन शुगर, केन शुगर का मोलर मास कितना है, 342। सो 5 बाय 342, वॉल्यूम हो गई हमारी 100, परसेंटेज सॉल्यूशन है तो 100,
इंटू आर इंटू टी इक्वल टू, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो इक्वल टू 1% का मतलब होता है 1 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, मोलर मास हमें निकालना है, तो 1/m इंटू परसेंटेज सोल्यूशन है तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 100 इंटू आर इंटू टी। सो अब आर कैंसिल टी कैंसिल दोनों साइड, 100 100 कैंसिल, एम की वैल्यू निकालो, एम की वैल्यू कितनी होगी, एम की वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो 342/5, और इसको आगे और सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 68.4। सो हमारा ऑप्शन आ रहा है इसमें से ए वाला। सो आई होप दिस वॉज ईजी। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.10 मोलल एक्वस सोल्यूशन विल हैव लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। सी इस टाइप का एक और क्वेश्चन हमने पिछले बार किया था कि जिसमें वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, उसके फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा आएगी। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, वेंट ऑफ फैक्टर पे, और वेंट ऑफ फैक्टर किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ आयंस कितने हमें सोल्यूशन में मिलते हैं। सी सबकी मोलैलिटी तो सेम है बट नंबर ऑफ आयंस जो हमें सोल्यूशन में मिलेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। सो उसके हिसाब से वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आएगी और उसके हिसाब से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। सो चलो चेक करते हैं। फर्स्ट वाला हमारा है के आई। सो के आई के कितने आयंस मिलेंगे, एक के आयन मिलेगा पॉजिटिव और एक आई माइनस आयन मिलेगा। सो टोटल नंबर ऑफ आयंस विल बी 2। वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। नेक्स्ट है हमारा सुक्रोस C12H22O11। सो ये तो ना आयोनाइज होता है ना ही ये एसोसिएट होता है, ये जैसा तुम मॉलिक्यूल डालोगे सॉल्यूशन में वैसा का वैसा ही रहता है। सो इसके वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। ओके सो नेक्स्ट इज Al2SO4 थ्राइस। सो Al2SO4 थ्राइस टोटल आयंस कितने देगा, 2 आयन देगा ये Al3+ के और 3 आयन देगा सल्फेट के, तो टोटल आयंस दे रहा है 5, तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी इसकी 5। तो सबसे ज़्यादा आयंस अभी कौन दे रहा है हमें, एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट है हमारा C5H10O5। सो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब ये जाके ना तो एसोसिएट होगा ना ही डिसोसिएट होगा। ओके सो आई गेस इसकी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू भी 1 रहेगी। तो सबसे ज़्यादा वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू किसकी आ रही है, हमारे सी वाले सॉल्ट की आ रही है, तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा लोवेस्ट होगी। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी हो जाएगा। ओके सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन दैट हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1.84 ग्राम पर सीसी, सीसी का मतलब होता है एमएल, एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड कंटेन्स 98% बाय वेट। ओके सो H2SO4 का हमें बेसिकली निकालना है कि कितनी मोलैरिटी है इस सॉल्यूशन की। ओके सो इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है हमें, सी डेंसिटी दी हुई है। सो डेंसिटी दी हुई है प्लस इसमें 98% बाय वेट जो हमें दिया हुआ है, मास ऑफ H2SO4 दिया हुआ है जो कि हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। तो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। सो डेंसिटी वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ओके सो डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1.84, और मास कितना है, सी ये 98% है प्लस 2% वाटर है उसमें, सो मास कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का, 100। सो सॉल्यूशन का मास हो गया 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 बाय 1.84। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा अराउंड 54.35 ml जो कि हमारी वॉल्यूम आ गई। ओके सो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। ओके सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, H2SO4 का गिवन वेट कितना है हमें, 98 दिया हुआ है, और मोलर मास कितना होता है H2SO4 का, वो भी 98 होता है। ओके वॉल्यूम अभी हमने कितनी कैलकुलेट की, वॉल्यूम कैलकुलेट की है 54.35 इंटू 1000। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा अराउंड 18.4 मोलर के आसपास। सो हमारा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है हमें यहाँ पे, ए वाला ऑप्शन दिख रहा है। सो ए इज़ योर आंसर, होपफुली समझ में आ गया होगा। इस टाइप का एक और क्वेश्चन हमने पिछली स्लाइड में किया था, पिछले जो वीडियो था उसमें किया था, उसको आप चेक कर सकते हो एक बार और। ओके सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सो अगला क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ सी सी एल फोर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज़ 143 mmHg. इफ 0.5 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मोलिकुलर वेट 65 इज डिजॉल्व इन 100 ml सी सी एल फोर, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल बी. सी, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें एक जगह मुझे मिस्टेक दिख रही है. यहाँ पे ये सी सी एल फोर है, 100 ml की जगह ये 100 ग्राम्स होगा तब सॉल्व हो पाएगा, या फिर सी सी एल फोर की डेंसिटी हमें प्रोवाइडेड होना चाहिए तब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. सो इट शुड बी 100 ग्राम्स. सो 100 ग्राम्स के हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं इसे. सो रिलेशन क्या लगेगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट. सो पी नॉट की वैल्यू तो दी हुई है यहाँ पे 143 mmHg, हमें निकालना है पी एस. सो पी एस की वैल्यू निकालेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन. एन टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. एन वन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. सो लेट्स पुट द वैल्यू. सो 143 माइनस पी एस अपॉन 143 इज इक्वल टू, एन टू की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का वेट दिया हुआ है 0.5, तो एन टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5 अपॉन 65. और एन वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम 100 मान रहे. सो 100 अपॉन सी सी एल फोर का मोलर मास कितना होता है, अगर सबको ऐड करोगे तो इट कम्स अराउंड 154. सो 100 अपॉन 154, सो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा. इसको पी के लिए हम सॉल्व करेंगे. सो पी के लिए अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आता है करीब करीब 141.31 mmHg. ओके, सो 141 के आसपास आ रहा है. सो ये हमारा आ रहा है सी वाला ऑप्शन. सो सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो समझ में आ गया होगा कैसे अप्लाई करना है हमारा जो रॉल्स लॉ का एक्सप्रेशन है उसको, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में मिस्टेक्स होती हैं और मे बी जो ये शीट हमें मिली है इसमें हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो. सो इट कैन हैपन. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन व्हेन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है P1, 10 ग्राम ऑफ यूरिया, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है P2, एंड 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, ऑस्मोटिक प्रेशर इज P3, आर डिजॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ वाटर. सो इसमें बेसिकली हमें ये बताना है कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा और किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम होगा. ओके, सो ऑस्मोटिक प्रेशर किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपको रिलेशन पता है, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी इंटू आर इंटू टी. ओके, सो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है सबके लिए और आर और टी की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी सभी के लिए, तो P1, P2, P3 कैसे रिलेटेड रहेंगे. अब इसमें आता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए. सो नंबर ऑफ मोल्स, अगर हम 10 ग्राम्स सबका मोलर मास गिवन वेट ले रहे हैं, सो मोलर मास जो होगा वो अब डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि किसके पी की वैल्यू ज़्यादा होगी और किसके पी की वैल्यू कम होगी. सो मोलर मास क्या हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है. ओके, सो सबसे ज़्यादा मोलर मास किसका आएगा, सी ग्लूकोज का अगर आप मोलर मास निकालोगे, सो ग्लूकोज का मोलर मास आता है अराउंड 180 के आसपास. ओके, यूरिया का आप निकालोगे तो आता है अराउंड 60, और जो सुक्रोज का होता है उसका मोलर मास होता है 342. तो ज़्यादा मोलर मास मतलब कम ऑस्मोटिक प्रेशर, यही होता है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब. तो सबसे ज़्यादा मोलर मास किसका है, सुक्रोज का. तो सबसे कम ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, सुक्रोज का. तो सबसे कम ऑस्मोटिक प्रेशर हम लिख लेते हैं सुक्रोज. उसके बाद देखते हैं ग्लूकोज का मोलर मास 180 है, तो उसके बाद ग्लूकोज का आएगा तो लिख लेते हैं P1, उसके बाद आएगा P2. यूरिया का मोलर मास है 60, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा. तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए P2 ग्रेटर दैन P1 ग्रेटर दैन P3, दैट इज़ ए ऑप्शन. ओके, सो द करेक्ट आंसर शुड बी ए. होपफुली यू हैव अंडरस्टूड. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द कंसनट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वुड बी. सो इस टाइप का क्वेश्चन एक और किया था हमने पिछले वाले लेक्चर में. सो क्या होगा, जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट क्वान्टिटी नहीं होती. सी, मैंने बताया था कि जिसके डिनोमिनेटर में वॉल्यूम टर्म नहीं आएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा. तो कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, मोलैलिटी. मोलैलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास. सो दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. सो अगला क्वेश्चन करते हैं. अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
फॉर अ सोल्यूशन इज़ इक्वल टू। इसी थ्योरी लेक्चर्स में हम कई बार पढ़ चुके हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ए। ओके, सो बेसिकली थियोरेटिकल क्वेश्चन है, सो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CH3OH शुड बी एडेड टू वाटर टू प्रिपेयर 150 ml सोल्यूशन ऑफ 2 molar CH3OH। सो इसमें हमें निकालना है कि कितना मास मिथेनॉल का हमें ऐड करना है कि इतना मोलर, 2 molar सोल्यूशन हमें मिले। सो फार्मूला क्या है, वेट इज इक्वल टू MMV/1000। ओके, सो वेट हमें निकालना है। M कितना दिया हुआ है, एक मोलैरिटी है, मोलैरिटी कितनी दी हुई है, 2। नेक्स्ट इज मोलर मास, मिथेनॉल का मोलर मास कितना होता है, अगर आप सारे एटम्स को जोड़ोगे तो आता है 32। सो मोलर मास हो गया 32। वॉल्यूम कितनी है, 150। सो 150 डिवाइडेड बाय 1000। सो इतना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए। सो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा अराउंड, मेरा तो आ रहा है 9.6। सो 9.6 इज़ द आंसर। सो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। सो दिस इज़ वेरी इजी, इससे इजी क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं सकता। ओके, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो एट 25 degree Celsius द हाइएस्ट एटमोसफेरिक प्रेशर इज़ एग्जिबिटेड बाय 0.1 molar सोल्यूशन ऑफ। सी ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंडेंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन पे। अब चारों सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम हो तो किस पे डिपेंड करेगा, आई की वैल्यू पे। आई क्या होता है, हमारा वेंट ऑफ फैक्टर, और वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। ओके, सो ग्लूकोज क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये ना तो एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट होता है। ओके, सो यूरिया, यूरिया क्या होता है, इसकी भी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ये भी एसोसिएट नहीं होता और डिसोसिएट भी नहीं होता। नेक्स्ट है CaCl2। CaCl2 जब सॉल्यूशन में जाता है तो कितने आयन्स प्रोवाइड करता है, एक आयन मिलेगा हमें Ca2+ का, और दो आयन मिलेंगे हमें Cl- के। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने मिल रहे हैं हमें, 3 आयन्स। तो वेंट ऑफ फैक्टर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ओके, KCl के केस में क्या होगा, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि K+ और Cl- मिलेगा। तो ज़्यादा वेंट ऑफ फैक्टर किस में मिल रहा है हमें, CaCl2 के केस में, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, सो योर आंसर विल बी सी। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज़ सेम वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर आई एज दैट ऑफ K3FeCN6। सी इसको सिंपल तरीके से अगर हमें सॉल्व करना है तो बस गिन लो आयन्स कितने दे रहे हैं। K3FeCN6 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो इसमें 3 आयन हमें मिलेंगे K, पोटेशियम के K+, और एक ये पूरा आयन FeCN6 का मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स मिल रहे हैं हमें 4। तो अब देख लो बाकी में किस में 4 मिल रहे हैं। देखो NaCl में नहीं मिलेगा, Na2SO4 में नहीं मिलेगा, Al2SO4 में नहीं मिलेगा, AlNO3 में हमें मिल रहा है। सो AlNO3 में 4 आयन्स मिल रहे हैं, मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। ओके, सो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अराउंड 50 और मोर देन 50 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, अगर आपको कहीं से क्वेश्चंस मिलते हैं सो जो नहीं बनते हो आप वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मे बी विद द न्यू चैप्टर और सम अदर प्रॉब्लम्स। ओके, सी यू देन।